बोरीवली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले हस्तिमल जेठमल जैन, उम्र 77 साल। इन्होंने कुछ महीने पहले बोरीवली पश्चिम में मोक्ष प्लाजा में 3 दुकानें यानी गालियां खरीदे और उन गालों को किराए पर चढ़ाकर वो अपना बुढ़ापा सुकून से गुजार सके। हस्तिमल के बेटे, उन्होंने उनसे कहा कि गालियां आप भाड़े पर ना देकर मुझे दे दें ताकि मैं अपना बिजनेस चला सकूं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकूं। हस्तिमल जैन अपने बेटे के मुंह में आकर उन्होंने उसे वो गालियां, वो तीनों दुकानें दे दी। कुछ दिनों बाद हस्तिमल जैन अपनी पत्नी के साथ गांव चले गए किसी शादी में। जब वो गांव से लौटे तो उन्होंने देखा उनकी तीनों दुकानें यानी तीनों गालियां सील्ड हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, ये क्या माजरा है, ये दुकानें सील क्यों हैं? तो उनके बेटे ने कहा कि कोविड के चलते मेरा बिजनेस लॉस में गया, पूरा धंधा डूब गया, बहुत नुकसान हुआ मेरा। मेरा नाम हस्तिमल जी जैन है, मेरे लड़के का नाम प्रमोद जैन है। उसने मेरे और मोक्ष प्लाजा में मेरी तीन दुकानें हैं, तो उसने झूठे साइन करके IDFC फर्स्ट बैंक और रतन इंडिया से लोन उठाया, मेरे को मालूम ही नहीं था। और 30 अगस्त 2019 को, जबकि मैं इधर नहीं था, मैं गांव में था और मेरे प्रॉपर्टी के पेपर दुकान पे पड़े रहते थे, उसने कब दुकान से पेपर लिए और जाके उसने लोन उठा के उसने घोटाला किया। कुछ दिनों के बाद हस्तिमल जैन को उनके दुकानों पर यानी गालों पर कर्ज के नोटिस आना शुरू हो गए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि IDFC बैंक से पिता के नाम यानी कि हस्तिमल जैन के नाम फर्जी कागजात और फर्जी हस्ताक्षर सिग्नेचर करके 1 करोड़ का कर्ज लिया गया है। उसके अलावा रतन इंडिया फाइनेंस कंपनी से 1,53,00,000 का कर्ज हस्तिमल जैन के नाम लिया गया है। ये सुनकर हस्तिमल के पैर से जमीन खिसक गई। वो बोरीवली पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। हस्तिमल जैन ने अपने बेटे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस पूरी पूरी तरह जांच कर रही है। इसमें एक व्यक्ति ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तकरार दिया कि उनके खुद के बेटे ने एक उनका ही प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उस व्यक्ति का बनावट सही तैयार करके, बनावट कागज तैयार करके, बैंक के अधिकारी से संगनमत करके उनके नाम के ऊपर ही 2,53,00,000 इतने के लोन निकाला है। इसके मामले में चीटिंग यानी फॉर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के संबंधित IPC कलमों के अंदर बोरीवली पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल है और इसमें आगे की तपास चल रही है। सर, इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? ये तो तपास का भाग है, एट दिस पॉइंट तो अब तक गिरफ्तारी तो कुछ नहीं। थैंक यू सर। ऐसी बातें सुनकर किसी बड़े का कहावा याद आता है कि औलाद ना हो एक दुख, औलाद हो के मर जाए बहुत दुख, और औलाद हो के निकम्मी निकल आए तो सबसे बड़ा दुख जीवन का ये है। इंडिया आज के लिए सलाम खाजी की रिपोर्ट।